Hello everyone, praise the Lord. Very good morning. I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. से नमस्कार, आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल के रोमी के पत्री 4 अध्याय उसमें 21 वचन को ध्यान करने वाले हैं। कल भी हमने वही देखा था, आज उसमें दूसरे भाग को देखने वाले हैं, उसके साथ ही 22 वचन को देखने वाले हैं। और यह वचन ऐसा लिखा है कि उन्हें पक्का निश्चय था कि परमेश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। इस विश्वास के कारण परमेश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। प्रभु हमारे जीवन में उसकी वादा पूरा करने में समर्थ है। ये अब्राहम का विश्वास था। आजकल हम यह सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु जो कुछ वादा किया है उसे हम हर दिन मौत से कबूल करना है, और ऐसा करने से हमारे जीवन में पूरा होगा। यह सच में सिर्फ कबूल करने से नहीं, बल्कि हमारे जीवन में मन से पूरा 100% विश्वास करने से ही आशीर्वाद मिलेगा। छोटी सी भी संदेह मन में नहीं होना चाहिए। रोमे की पुस्तक 4 अध्याय उसमें 22 वचन में यह कह रहे हैं कि यह विश्वास से ही अब्राहम धर्मी बना है। हमें अपने विश्वास परमेश्वर पर उनकी शक्ति पर रखना है, हमारी मोह पर नहीं। हर दिन प्रार्थना करना है उनके आशीर्वाद हो। तो इस प्रकार हम अब्राहम के तरफ प्रभु पर विश्वास रखना है कि वे वादा पूरा करने के लिए समर्थ है, और उस विश्वास को कबूल करना है। अतः विश्वासी मुख्य है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाह रही कि हम अब्राहम की तरफ प्रभु पर विश्वास करना है, और विश्वास को हम कबूल करना है, और भगवान हमारी लाइफ में जो भी वादा करता है वो पूरा करेगा। आज इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे।